हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू तेजी रामगढ़िया चैनल। तो गाइस आफ्टर 7 मंथ्स तू चले जा भाई पहले। हाँ जी, तो मित्रों आफ्टर 7 मंथ्स व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ फिर से। ये मैं आने वाले अपने वीडियोस में बताऊँगा कि वो 7 मंथ्स के टाइम पीरियड में मैंने कोई व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो आज का जो ये व्लॉग है ये बहुत ही मेरे लिए स्पेशल और आपके लिए भी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मेरी जो फ़्लाइट है वो इंडिया से कैनेडा की है। तो चलो, मेरे को भी कुछ अभी एक आइडिया नहीं है कि आगे आगे मेरे साथ जर्नी में क्या होने वाला है, क्या क्वेश्चंस मेरे को रेज करेंगे इमिग्रेशन वाले, चेक इन कैसे होगा। ठीक है, तो अभी मैं बिट नर्वस भी हूँ क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। मैं स्टडी बेस पे जा रहा हूँ कैनेडा, तो अभी फर्स्ट मैं सुबह सुबह उठ के गुरुद्वारा साहब जा रहा हूँ। अभी बज गए 6:30 बजे, हम निकल जाएंगे घर से दिल्ली के लिए। तो दिल्ली पंजाब से जो दिल्ली का सफ़र है, मैं वो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आप सबको, लाइक उस पर मैं गाने लगा के एडिट कर दूंगा छोटा सा, क्योंकि वो सफ़र में मैं क्या बताते रहूँ, है ना। जो मेन व्लॉग होगा वो दिल्ली से शुरू होगा, दिल्ली एयरपोर्ट से। हाँ जी, तो मित्रों हमने झिलमिल में एक स्टॉप लिया है, झिलमिल ढाबा करनाल में पड़ता है ये। इसके बाद हम सीधा निकलेंगे दिल्ली की ओर। तो मित्रों पहुंच गए हम एयरपोर्ट। सफ़र ने इतना हमें परेशान नहीं कर दिया जितना गर्मी ने परेशान कर दिया। ये हमारे मामू, ये मास्टर जी आए, पीछे मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं। तो गर्मी बहुत है एयरपोर्ट पे। अभी 1 घंटे पहले मैं आ गया, अभी लाइक 4 घंटे पहले अंदर जाना होता है, तो मेरे पास अभी 1 घंटा है जी। मित्रों तो अभी तो हम पहुंच गए एयरपोर्ट पे, आराम से बैठे हैं। अभी मैं 6:30 बजे निकलूँगा। अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 5। तो अंदर जाके मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट, सो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि अंदर जाके पहले क्या करते हैं। सो जैसे जैसे मैं स्टेप्स करते रहूँगा आप सभी को भी बताते रहूँगा कि कैसे चेक इन करें, कैसे बोर्डिंग पास निकालें। मैं भी सीखूँगा और आप लोगों को भी सिखाऊँगा इस ब्लॉग के दौरान। और जो भी इंफॉर्मेशन है, बैग्स में कितने वेट तक लेके जा सकते हैं और एक एक्स्ट्रा बैग का कितना खर्चा आएगा, सारा कुछ आपको ये पूरी डिटेल्ड ब्लॉग होने वाला है। तो ये पूरा डिटेल्ड ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। थैंक यू। हाँ जी मित्रों, ये साढ़े नाल साढ़े आड़ी बन गए ने, थोड़ा नाम दस्से फिर। रघुवीर। रघुवीर थानू की पूछा है इमिग्रेशन से? कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा है इनको, रघुवीर इनको कुछ नहीं पूछा भाई। मेरे को तो बहुत क्वेश्चन पूछे, थोड़ा मैं घबरा गया था, बट एट द एंड मैंने संभाल लिया एंड उन्होंने मेरे को परमिट दे दिया कि आप आगे जा सकते हो। सो मैं जो ये इमिग्रेशन के जो क्वेश्चन है ना, मैं उसके रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। फिलहाल मेरा चेक इन हो गया, जो मेरा बैगेज था, एक्स्ट्रा बैगेज जो मैं एक लेके आ रहा था अपने साथ, उसका खर्चा हुआ है 6,500 रुपीज़ मेरा खर्चा आया है एक बैगेज का जो मैं एक्स्ट्रा लेके आया था। ठीक है, सो अभी इमिग्रेशन में लाइट था, हिंदी में ही पूछा उन्होंने, मैं इसके रिलेटेड एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि इमिग्रेशन में उन्होंने मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे, मेरे फ्रेंड्स से क्या क्वेश्चन पूछे, कैसा एक्सपीरियंस था, एंड आप लोग लाइक क्या क्या तैयारी कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन की। हाँ जी, तो मित्रों सारी चेक इन हो गए, अब हम जा रहे हैं 17B, गेट नंबर 17B से हमारी फ्लाइट है एयर कैनेडा। तो हम अभी जा रहे हैं स्टारबक्स की और कुछ रिफ्रेशमेंट लेने। स्टारबक्स में आज तक की अपनी पूरी लाइफ में अभी तक नहीं गया, तो मैंने कहा चलो अब आके एक बार स्टारबक्स भी पी लेते हैं इंडिया की, फिर जाके कैनेडा की आपको स्टारबक्स का टेस्ट बताऊँगा दोनों में फ़र्क क्या है। तो अभी स्टारबक्स चलते हैं, मेरे को पता नहीं ऑर्डर कैसे करते हैं यहाँ पे, क्या कॉफ़ी है, कैसा टेस्ट है, आपको पता है भाई स्टारबक्स के बारे कुछ? कोई नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। चलो चलते हैं, कुछ तो होगा। जी मित्रों, तो मैंने ऑर्डर किया है डबल चॉकलेट चिप, नहीं कैरेमल जावा चिप। भाई ने ऑर्डर किया है चाय लाटे। फिर हमने इसका प्राइस पूछ लिया, कुछ चखना चाहिए ना साथ में, ये है 180 का, फिर ऐसे ही रख दिया वापस। ठीक है,
सो बाकी जो है हमारी फ़्लाइट हो गई है डिले, जो हमारी फ़्लाइट थी 10:30 बजे अब वो हो गई है 12:05 पे। तो बस अब वेट कर रहे हैं, अभी बज गए हैं 8 बज रहे हैं अभी, और 2 से 3 घंटे हमें वेटिंग करनी है अपने फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो चलो फ़्लाइट में बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आप सभी के साथ, फ़्लाइट का फूड कैसा है, फ़्लाइट कैसी है, क्या आपको भी ये फ़्लाइट में आना चाहिए या नहीं बाकी। और हाँ, एयरपोर्ट पे अपना बैग का ज़रूर ख्याल रखना, किसी पे भरोसा मत करना, अपना बैग हमेशा अपने साथ ही रखना, चाहे वॉशरूम भी जा रहे हो। यहाँ पता नहीं होता ना कौन क्या रख दे आपके बैग में, वैसे तो रखते नहीं है फिर भी भाई इनके इंडियन दिमाग है, इंडियन दिमाग हमेशा सोचता ज़्यादा ही है, ओवर थिंक करता है, ठीक है। सो बाकी सब मिलते हैं आपको, अब मैं फ़्लाइट में बैठ के मिलता हूँ, ठीक है। मित्रों बोलिए, यह 100 सवाल पूछेंगे कि क्या डालना है, ये देखो चीज़। हाँ जी, 100 सवाल पूछेंगे, डालो जी चीज़ डालो। नितिन वीर चीज़ खा लोगे? रात का डिनर मिला है 2:47 PM पे इंडिया के, ये बन है, ये निकाल के देखते हैं क्या, ठंडे ठंडा सा लग रहा है चने। इसमें है सलाद, आई थिंक इसमें क्या होगा, ये है रोटी और काली दाल, जी मित्रों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 तो अभी भी डिस्टेंस है 6776, मतलब 8 घंटे और अभी है। कौन कहता है कनाडा का सफ़र आसान है, उनसे पूछ के देखो जिन्होंने सफ़र गुजारा नहीं काटा हो भाई जी, बहुत आसान है भाई। सो रहे थे जाग रहे थे फिर फिल्म देख रहे। आपका क्या रिव्यू है? स्पीचलेस, नज़ारा आ गया फिर से, विंडो सीट वालों को तो बढ़िया। ये देख रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग है, हमें दिखा रहे हैं, हमें सब उठ उठ के देख रहे हैं वहाँ पे। ये भाई तो ऐसे जंप मार के देख रहे हैं, मैं तो ऐसे ऐसे लेके ऐसे करके सो गया यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इन्होंने एसी एकदम 16 पे खोल के रखा हुआ है, बाकी पीछे देखो अगर किसी को आना है तो यार वो करा लो बिजनेस क्लास। अभी भी हम बर्लिन में हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये अभी भी बर्लिन में है। यहाँ से हमें जाना है टोरंटो, बहुत दूर है, बहुत दूर, जल्दी जल्दी ये सफ़र ख़त्म हो।
जैसे जैसे प्लेन नीचे जा रहा है ना वैसे वैसे कार के पर्दे भारी होते जा रहे हैं, मेरे ही हो रहे हैं या तुम्हारे भी हो रहे हैं। पहले मैं तो हो जाऊँ बहुत बहुत ज़्यादा भारी हो चुके हैं, बस कान के पर्दे ना पड़ जाए। मित्रों तो मेरा जो है इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है कनाडा में आके, और जितना मैंने हाइप सुनी थी ना इमिग्रेशन की कि ऐसे क्वेश्चन पूछते वैसे पूछते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं ना एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मेरे से क्या पूछेगा, मेरे फ्रेंड से क्या पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मैं बैग लेके लगेजेस लेके अपने बैठ चुका हूँ एक जगह पे, अपने ब्रदर का वेट कर रहा हूँ। जैसे मेरा ब्रदर आएगा अब हम चलते हैं फिर घर को, आज देखते हैं आज कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। एंड क्योंकि अभी तो जो टाइम हो रहा है कनाडा में 9:10 हो रहे हैं अभी कनाडा में, और मैं कह रहा हूँ ना जब मेरे को इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चंस कर रहे थे मैं काफ़ी घबराया हुआ था, बट उन्होंने इतना कुछ पूछा नहीं मेरे को। मैं वीडियो में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि इंडिया में मेरे से क्या पूछा, कनाडा में मेरे से क्या पूछा, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स से भी क्या पूछा कनाडा में और इंडिया में, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये तो मैं सिर्फ अपनी जर्नी बता रहा हूँ, बट जैसे ही आप इमिग्रेशन करके आते हो आपको एक स्लिप दिखानी होती है ऑफिसर को, कि ऑस मशीन से जो स्लिप निकलती है वो आपको ऑफिसर को दिखानी होती है, फिर वो आपको एग्ज़िट की ओर भेजता है। एग्ज़िट की ओर आप आते हो यहाँ पे लगेजेस की ओर, देखो मैं दिखाता हूँ, आप ना वहाँ से नीचे उतर के यहाँ लगेजेस के पास आते हो, आपके जो लगेजेस है पहले से यहीं निकाल के रखे हुए थे, ये मैंने अपने लगेजेस कलेक्ट कर लिए है। और जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्लीज़ अपने साथ ना एक जैकेट कैरी करना, क्योंकि एरोप्लेन में ठंड काफ़ी हो जाती है, एसी की कूलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो ज़रूर एक जैकेट मोटी जैकेट कैरी करना अपने साथ। एंड चलो आगे चलते, आगे का सफ़र आपको कनाडा दिखाते हैं आपको भी। हाँ जी तो मित्रों अभी व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, घर आके मैं थोड़ी देर सो गया था अभी भी, बाकी अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, इसके बाद वाली वीडियो ज़रूर देखना, वो इमिग्रेशन क्वेश्चंस के ऊपर होगी। और बहुत अच्छा लग रहा है यार कनाडा, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत। नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन टेक केयर।